तो बच्चों, कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लेन मिरर, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे वो कुछ ऐसा था कि देयर आर टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट सर्टेन एंगल थीटा नॉट एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड समवेयर इन बिटवीन द टू मिरर्स. So how many images will form? ठीक है, तो हमने एक पैटर्न बनाया था. एक ले लिया था मिरर M1, एक मिरर ले लिया था M2. ये कुछ एंगल दिया हुआ है थीटा वन सपोज, ये एंगल है थीटा टू, एंड देन हम लोगों ने पोजीशंस देखा था क्या होगा. एम वन में पहला जो है थीटा वन एंगल पे होगा, एम टू में पहला थीटा टू एंगल पे, फिर थीटा वन प्लस थीटा नॉट पे होगा एम टू में, एम वन में थीटा टू प्लस थीटा नॉट, एंड सो ऑन. और कहाँ स्टॉप कर देना है, जब ये एंगल ग्रेटर देन इक्वल टू अगर हो गया 180 तो क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, इसको नहीं लेना है. ये हमने डिस्कस कर लिया था. इसका एक रेडीमेड फॉर्मूला होता है जो मेडिकल के बच्चों के लिए आता है. तो किसी को याद है क्या क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? अगर 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा नॉट अगर डिराइव ये डिवाइड किया, लेट्स दिस वैल्यू कम्स आउट एज एम. तो इफ एम इज, एम इज इवन, देन माइनस वन नंबर ऑफ इमेजेज, एकदम सही बताई, नंबर ऑफ इमेजेज विल बी एम माइनस वन. क्या बात है. दूसरा केस, इफ एम इज ऑड, ऑड में भी बच्चों दो केस हो जाता है. अगर ऑड है एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकल, प्लेस्ड सिमेट्रिकली. गौरव याद है क्या होता है इसमें? एम माइनस वन. अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो एम माइनस वन ही होगा नंबर ऑफ इमेज. और दूसरा, बहुत अच्छा होमवर्क किए तुम लोगों ने. अगर सिमेट्रिकल नॉट सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल है, देन नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक सवाल किया था जहां पे ये 360 डिग्री था, सॉरी 90 डिग्री था, और ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस था, तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 90 कितना आ गया, 4 आ गया. तो ये क्या हो गया, इवन हो गया. तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, 3. क्यों 3 हो रहा है, वाई 3 एक कम क्यों हो रहा है, बिकॉज दो इमेजेस कॉइंसाइड कर रहे हैं, That's why एक कम हो जा रहा है. क्लियर ना? सब आगे बढ़ते हैं बच्चों. अगर मैं डिस्कस करूं, इफ द टू मिरर्स आर पैरेलल,
दैट मीन्स दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। बहुत ही आसान सा है, टू मिरर, एक सब अभी आसान आसान पढ़ रहा हूं। टू मिरर्स आर पैरेलल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे को फेस कर रहा है। देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। मैं पूछूं हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल फॉर्म, तो कोई बच्चा बहुत आराम से बता सकता है जो सिर्फ फॉर्मूला जानता है, कहेगा सर दिस डिवाइड बाय 0 डिग्री, क्या हो जाएगा, जीरो से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, लेकिन ये मैं इससे बहुत ज्यादा बताने के फेवर में नहीं रहता हूँ। तुम ऐसे देख सकते हो कि वाई नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इनफाइनाइट, बिकॉज एक रेज ऐसे गया, दिस विल रिफ्लेक्ट, ऐसे गया ये रिफ्लेक्ट हुआ और इसका कहीं इमेज बना, ये सपोज है I1। ये कितना डिस्टेंस बनेगा, सपोज ये डिस्टेंस है X1 और ये डिस्टेंस है सपोज X2। ये है मिरर 1 और ये दूसरा है मिरर 2। सो I1 विल बी द इमेज इन मिरर 1 जिसका पोजीशन कहाँ है, M1 में पहला इमेज जो है वो कितने पोजीशंस पे होगा, X1 पे होगा। सिमिलरली यू कैन से दैट कि सर इसमें जो रेज देखो ऐसे गया ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे गया ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, सबको समझ में आ रहा होगा ये बात। वेयर द इमेज विल फॉर्म, M2 में X2 डिस्टेंस पीछे फॉर्म होगा। सो M2 में X2 डिस्टेंस पे होगा, M2 से पीछे। नाउ कंसिडर दिस रेज, कौन सा, ये ब्लू कलर वाला रेज, ये ब्लू कलर वाला रेज जो है दैट विल इंसिडेंट ऑन द मिरर 1 और फिर रिफ्लेक्ट होगा। तो एकदम प्यार से समझो, ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये जो अभी हमने दिखाया, ये मिरर 1 के लिए कहां से आते दिखेगा, मिरर 1 के लिए दिस I2 जो अभी लिखा था वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। I2 है कितने डिस्टेंस पे मिरर 1 से, ये सपोज है X0 और ये X2, X2 प्लस X0, दैट मींस ये कितना डिस्टेंस पीछे बनाएगा इमेज, X2 प्लस X0। और तुम देख सकते हो कि ये जो X2 है ये M1 के लिए ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा, इसलिए इसमें देखो X0 जोड़ दिया। सिमिलरली कंसीडर दिस रेज, क्या बच्चों ये समझ में आ रहा है या तकलीफ जा रही है, मैं बोर्ड पे बताऊं क्या, ये तो टैब पे पढ़ा रहा हूं, अभी छोटी छोटी चीजें चल रही है इसलिए। सर बोर्ड पे, सर बोर्ड पे पढ़ाई ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है चलो मैं बोर्ड पे ही पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा वेट करना। अभी दिन में लाइट अच्छा रहता है, अभी लाइट का थोड़ा सा मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है, देखना कौन सा अच्छा है ना, कोई लाइटिंग शाम में अच्छा नहीं रहता है।
देखना बच्चों कौन सा अच्छा है ना। We are talking about कि ये डिस्टेंस है लेट्स x1 ये डिस्टेंस है x2 और हम लोग रेज डिस्कस कर रहे थे कि एक रेज पहले ऐसे गया देन रिफ्लेक्ट लाइक दिस इसका इमेज बना यहां पे i2 व्हेन इट विल इंसिडेंट ऑन दिस एंड देन यहां भी रिफ्लेक्शन होगा सो इस रिफ्लेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग ये रेज इसको कहां से इस मिरर को कहां से आते दिखेगा यहां से दिस डिस्टेंस इज x2 दिस डिस्टेंस इज x0 सो दिस डिस्टेंस विल बी दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सो दिस विल बी द इमेज डिस्टेंस I1 dash कितना डिस्टेंस हो जाएगा ये देखो x2 plus x0 अगर मैं बात करूं यहां से एक रेज ऐसे हुआ फर्स्ट मिरर पे इंसिडेंट हुआ देन इट रिफ्लेक्ट्स फर्स्ट मिरर में इमेज बनाया x1 distance pe then this rays will incident on the mirror 2 kya isme board pe samajh mein aa raha hai kya mujhe to lag raha hai ki tab hi zyada better tha sir samajh mein aa raha hai board pe chetan ne bataya sir blur ho raha hai कोई बात नहीं देखते हैं थोड़ी देर देखते हैं सब देखो ये गया और फिर रिफ्लेक्ट हुआ तो इस मिरर के लिए ये रेज कहां से आते दिखेगा यहां से तो इस मिरर के लिए दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हाउ मच एक्स वन प्लस एक्स नॉट ये थोड़ा जगह नहीं है पीछे जाएगा तो ये जो डिस्टेंस बनेगा एक्स वन प्लस एक्स नॉट तो हमने यहां भी चार्ट बनाया M1 एंड M2 M1 में फर्स्ट इमेज कहां बन रहा है X1 पे M2 में फर्स्ट इमेज कहां बन रहा है X2 डिस्टेंस पे M1 में दूसरा इमेज कहां बन रहा है तो ये जो है दूसरा इमेज देखना इस मिरर के लिए यही ऑब्जेक्ट है तो x2 में कितना ऐड हो गया x2 प्लस x0 ये इसके लिए मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट है तो इमेज कितना डिस्टेंस पे बनेगा ये x1 प्लस x0 पीछे x1 प्लस x0 एंड दिस विल कंटिन्यूज है ना फिर कौन सा हो जाएगा यहां पे बनेगा x1 प्लस 2x0 x2 plus 2x0 और ये कहां तक जाएगा ये इंफिनिटी तक जाएगा बताइए क्लैरिटी आई इसमें बहुत तो छोटा सा सवाल हमने लिया है हाँ सर ये क्वेश्चन में आपने फाइन डिस्टेंस फ्रॉम फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम मिरर m1 लिखा है क्या अगर तुम इधर एक एंगल बनाते हो थर्ड इमेज फॉर्मड और एक और एंगल बनाओ अच्छा मिरर m2 लिखा हुआ m2 चलो देखते हैं अपूर्व का आंसर आया चैतन्य का आंसर आया सिर्फ दो बच्चे पढ़ रहे हैं प्रसाद गीते नहीं क्लियर नहीं दिख रहा है क्या नो सर
चलो तो बच्चों क्वेश्चन इज देर आर टू मिरर दो मिरर है एंड सेपरेशन इज 40 सेंटीमीटर और हमने मिरर M1 M2 क्या दिया है बता दिखा रहा हूं दिस इज M1 दिस इज M2 और एक ऑब्जेक्ट दे दिया है M1 से 15 सेंटीमीटर पे और मैं पूछा हूं कि M2 में जो थर्ड इमेज बन रहा है उसका डिस्टेंस तो चैतन्य देखो समझ लो क्वेश्चंस क्या है फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम M2 ऑफ थर्ड इमेज फॉर्म्ड इन M2 M1, M2 देखो यार कितना सिंपल सा M1 में पहला इमेज कितना पे बनेगा 15 पे M2 में कितना पे बनेगा 25 पे है ना फिर यहां कितना बनेगा 15 प्लस 40 ये कितना पे बनेगा 25 प्लस 40 फिर ये कितना पे बनेगा 25 प्लस 2 इंटू 40 दैट इज 105 सो क्या आंसर हो जाएगा 80 प्लस 25 105 दिस इज सेकेंड इमेज दिस इज फर्स्ट इमेज इन M2 दिस इज थर्ड इमेज व्हाट शुड बी द आंसर वन जीरो फाइव तो शुरुआत में सारे बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया था किसी ने 75 बोला किसी ने 80 बोला किसी ने 185 बोला किसी ने 95 किसी ने 135 किसी ने 120 अपूर्व पाटिल को नहीं समझ में आया कि 30 है या 40 मैंने 40 दिया था बाद में सारे बच्चे 105 बोले ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था सो ये सवाल दे दिया मिरर प्लेन मिरर का वेलोसिटी दे दिया है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दे दिया है इमेज का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूं तुम कहोगे सर सिंपल है एक एक को कंसीडर कर लेते हैं मिरर मूव करा 2 सेंटीमीटर से तो अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर में कि ये जाएगा ट्वाइस से 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से जिस डायरेक्शन में मिरर जा रहा और ऑब्जेक्ट का भी वेलोसिटी कुछ है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किधर है मिरर से दूर जा रहा है तो ये भी मिरर से दूर जाएगा कितना से उसी स्पीड से डायरेक्शन अपोजिट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड नेट वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आ गया 7 सेंटीमीटर पर सेकंड प्रसाद ने सबसे पहले बता दिया बहुत बढ़िया व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट With respect to mirror, अगर मैं पूछूं अभी तो कितना है मैग्नीट्यूड में ही बता दो
5 सेंटीमीटर पर सेकंड। मिरर में अगर बैठ के देखा तो ऑब्जेक्ट इधर 5 से जा रहा है। और मैं बताता हूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। बच्चों ये वही रहेगा जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। मिरर में बैठ के देखोगे तो ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से जा रहा है मिरर के रेस्पेक्ट में, इमेज भी उसी वेलोसिटी जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन वेलोसिटीज मिरर के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर पैरेलल होगा तो डायरेक्शन सेम होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो तो हम लोग वेलोसिटीज वाला कहानी कर लिए। फिर से मैं कुछ ऐसा सवाल दे रहा हूं, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ऑब्जेक्ट ओ, दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी वी नॉट। मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज वी नॉट आई कैप। कौन बताएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप? वीओ माइनस आई कैप होगा कि कितना होगा? तो पता है झटपट कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, यहां पे दिखाते हैं इमेज और ये इधर आ रहा है तो ये इधर आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, इमेज यहां थोड़ी बनेगा। कहां बनेगा इमेज? यहां से परपेंडिकुलर, दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, है कि नहीं? यहां से मिरर के पैरेलल ऐसे ले लिया लाइन, ये एंगल है बच्चों थीटा। कैन यू गेस कि इसका वीओ कॉस थीटा इधर, वीओ वी नॉट कॉस थीटा, और इधर है वी नॉट साइन थीटा। सिमिलरली इस इमेज का जो वेलोसिटी होगा वो पैरेलल टू द मिरर हो जाएगा वीओ कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर टू द मिरर हो जाएगा वीओ साइन थीटा। क्या सही लिखा कि नहीं लिखा? मतलब इसका वेलोसिटी नेट जो हो जाएगा वो इधर हो जाएगा, इधर वीओ हो जाएगा कितना, यहां से कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। और किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पॉइंट से मैं एक्स एक्सिस के डायरेक्शन लेता हूं, ये एक्स एक्सिस है और ये था मिरर के पैरेलल वीओ कॉस थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। सो एक्चुअली एक्स एक्सिस से इमेज का वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा है? टू थीटा बना रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ द इमेज देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ रहा है, वीओ cos 2 थीटा आई कैप प्लस वीओ साइन 2 थीटा जे कैप। कुछ बच्चों को समझा कि नहीं समझाइए? यस सर। मान प्रकाश क्या समझाइए सवाल? समझा सर। सर नहीं नहीं सर।
डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करोगे तो सारा चीज क्लियर है। डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लो। Yes, तो आगे बढ़ू। विवेक भाई आगे बढ़े सर, लिख लिया यहां तक? अच्छा आज भी है जो कि सब ऊपर जा रहा सबको, कुछ बच्चे होंगे ऊपर से निकल रहा है तो बताना है। मैं अभी तो स्लो रहूंगा ही क्योंकि एक बार रिदम बन जाए हमारा, ट्यूनअप हो जाए। सर सर हाँ बोलो बोलो, फिर से समझाऊं क्या? सर आपने जो ग्रीन में थीटा लिखा वो 90 माइनस थीटा होगा ना? नहीं, थीटा ही होगा। देखो ना कॉस थीटा इधर ही है ना, तो ये थीटा रहेगा तभी तो वीओ का कॉस थीटा इधर होगा, इधर है ना? सही लिखा ना गौरव? अगर कहोगे तो फिर से मैं समझा देता। हाँ सर। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इधर है वीओ, मैंने क्या किया ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यहां पे हमारा इमेज होगा। सबसे पहले तो ये देखना है, ये हमारा मिरर था, रेड वाला जो है मिरर है, मिरर अच्छा से बनाने। कोई बात नहीं। अब बच्चों क्या करता हूं मैं, मिरर के ना पैरेलल एक लाइन ले लेता हूं, यहां से ऑब्जेक्ट के पास से मिरर के पैरेलल, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो इस वीओ का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर वीओ कॉस थीटा और इधर हो जाएगा वीओ साइन थीटा। तुम कहोगे सर इमेज का ना इधर हो जाएगा वीओ कॉस थीटा पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला उल्टा हो जाएगा वीओ साइन थीटा। तो जो रिजल्टेंट है इनका, तो ये पता ही है कि इन दोनों का रिजल्टेंट मिला के वीओ ही होगा, और ये इधर कॉस वाला है तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। और कहोगे सर ये जो लाइन है ना ये वीओ कॉस थीटा वाला, ये वाला लाइन, ये तो मिरर के पैरेलल वाला लाइन है, यहां से x एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज x एक्सिस के पैरेलल, तो x एक्सिस से मिरर कितना एंगल पे, थीटा पे। तो जो नेट वेलोसिटी है इमेज का वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 2 थीटा बना रहा है, कितना 2 थीटा। तो वीओ का x एक्सिस के डायरेक्शन हो जाएगा वीओ cos 2 थीटा इतना आई कैप, और y एक्सिस में हो जाएगा वीओ साइन 2 थीटा जे कैप। क्या अभी भी किसी बच्चों को तकलीफ रह गई या क्लियर हो गया? क्लियर है सर। एंड देयर इज ए मिरर, ये एक प्लेन मिरर है जिसका लेंथ है एल, एंड देयर इज ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, तो इससे हर डायरेक्शन में लाइट निकल रहे हैं, रेज आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस मिरर, सॉरी दिस पॉइंट सोर्स इन ऑल डायरेक्शन। बच्चों ये जो मिरर है कुछ रेज मिरर पे इंसिडेंट होगा एंड देन इट विल रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट होके यहां पे आएगा स्क्रीन पे,
तो देयर विल बी ए ब्राइट पैच ऑन द स्क्रीन. देखो अभी तो प्लेन मिरर में ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं, होगा कि नहीं? कुछ दूर तक उसका क्या होगा, लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा बिकॉज रिफ्लेक्ट होके आ रहा है. सो वो ब्राइट पैच का लेंथ क्या होगा? एल एल L होगा कि 2L होगा, क्या होगा कंफर्म करके बताओ. L गौरव डायग्राम ड्रॉ करो और कंफर्म करो कि कितना होगा ब्राइट पैच का लेंथ. सर एल से तो ज्यादा लग रहा है. मान लो आ गया जेई मेन में आ गया ये सवाल. सुयश क्या होगा आंसर? ज्यादा लग रहा है. हाँ लेकिन कितना ज्यादा है, ज्यादा है कि नहीं है कंफर्म तो करो. अगर मैं बोलूं बच्चों कि ये जो मिरर था ये पॉइंट सोर्स है एस, देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे ही बना सकते हैं. ये सब के लिए कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है. लर्न हाउ टू क्रैक दिस टाइप ऑफ सम. अगर आ गया टीचर्स को जरूरत नहीं कि पढ़ाया है तभी होगा. अब क्या कर दिया इस मिरर को ना, इधर मूव करा दिया वी नॉट से. कहेगा जो ब्राइट पैच है वो भी मूव कर रहा है. किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा? The bright patch will also move in this. Do we not? What is the velocity of the bright patch? V naught, 2 V naught, V naught by 2, 0. Kya hoga? 2 V naught. 2 V naught. 2 V naught. Idhar hoga. Srishti, ye samajh mein aaya ki why it will be 2 V naught, bright patch ka velocity? अभी देखो ब्राइट पैच का स्टार्टिंग यहां से है. अभी देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है. अब कुछ देर बाद ये जो है ये मिरर थोड़ा इधर चला जाएगा. अब इतना डिस्टेंस पे हो जाएगा. देखो मैं रेड को येलो बना दिया है. अब ये मिरर का न्यू पोजीशन हो गया. तो अगर ये न्यू पोजीशन हो गया तो अब देखो ये डिस्टेंस अगर मान लो x आगे चला गया, ये पहले x नॉट था, तो अब जो ब्राइट पैच है वो टोटल जो है पहले से 2x आगे चला जाएगा. दिस विल बी द न्यू पोजिशन. दिस इज 2x इनफैक्ट. तो तुम लोगों ने सही बताया कि दिस विल मूव विथ वेलोसिटी 2v नॉट. कुछ बच्चों के साथ नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये ब्राइट पैच स्टार्ट यहां से हो रहा था, अब यहां से स्टार्ट होगा, 2x से जाएगा. अनुराग क्या ये क्लियर हुआ? यस सर. ठीक है तब प्लेन मिरर अब क्या करता हूं मैं, थोड़ा चेंज कर देता हूं. This is the point source and this is the mirror. देखो एक छोटा सा चीज है, मैं कुछ भी घुमा के पूछ रहा हूं. अब इसको मिरर को ना मैंने इधर मूव करा दिया.
वी नॉट सेम। अब पूछा जाए ब्राइट पैच क्या होगा, ब्राइट पैच मूव करेगा, इधर मूव करेगा कि ब्राइट पैच का उसका लेंथ जो है वो कम होने लगेगा, क्या होगा कि ब्राइट पैच मूव ही नहीं करेगा। दिस इज पॉइंट सोर्स, वेलोसिटी ऑफ ब्राइट पैच इन दिस केस मिरर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। देखते हैं कोई सवाल आंसर किया है। राशि बताए सर, कांट वी गेस दैट इफ लेंथ इज डबल देन वेलोसिटी विल ऑल्सो बी डबल। नहीं वैसे तो नहीं गेस कर सकते हैं राशि, क्योंकि तब तो इधर भी कहोगे सर लेंथ इज डबल तो वेलोसिटी इज डबल। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द ब्राइट पैच में बता रहा हूं जीरो होगा आंसर। कोई कंफर्म करो कि सही बता रहे हैं कि नहीं सर। The bright patch will not move at all. क्योंकि अभी suppose bright patch यहां से start हो रहा, अगर mirror का new position ये हो गया, this is the new position of the mirror, कुछ distance आगे चल गया, अब बताओ अभी भी ये अगर x not था तो ये भी x not है। Now, in new position, रेज ऐसे इंसिडेंट होगा, अभी भी ये x नॉट है तो अभी भी ये यही जाएगा, जाएगा कि नहीं, x नॉट से ये स्टार्ट होगा। सो ब्राइट पैच विल नॉट मूव, neither ब्राइट पैच विल contract, ब्राइट पैच का लेंथ वही रह जाएगा, पोजिशन वही रह जाएगा, there will be no change in bright patch. अगर ये पॉइंट सोर्स है तो गौरव क्लियर। हाँ सर। प्रसाद। यस सर। तो क्या लगा रे ऑप्टिक्स में, तूने दो क्लास अटेंड किया, कुछ नया सीखा प्रसाद? यस सर, कुछ नया सीखा और कुछ मतलब पहले से आता था तो उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। और क्लियर हो गया, ठीक। तो क्लास मिस नहीं करना है। अनुराग क्या सर नया सीखा दो क्लास में अभी प्लेन मिरर में? और इसी में हम लोग कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ये सब डिस्कस करेंगे। विवेक, विवेक म्यूट कर लो। तो एक स्फीयर ले लिया, और इस स्फीयर से क्या करते हैं ऐसे कट कर देते हैं। एक प्लेन लिया जिससे ऐसे कट कर दिया, ऐसा सरफेस बाहर आएगा, ये ऐसा ऐसा सरफेस बाहर आएगा। तो ये जो स्फीयर, ये जो कर्वेचर है, एक सर्कल का पार्ट है और सर्कल का सेंटर ये रहा, इसको बोलते हैं बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर।
ये रेडियस। तो ये जो कर्वेचर का रेडियस क्या है, तुमने प्लेन यहां से कट किया तो इतना बड़ा आया, अगर किसी ने थोड़ा नजदीक कट करता ऐसे कट करता तो एक दूसरा मिरर ऐसा आता, ऐसा छोटा सा आता। लेकिन इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका दोनों का सेम ही होता। ये जो कट के बाहर आया ये जो, बट डिफरेंस है कुछ। व्हाट इज द डिफरेंस? ये वाला बड़ा है। अगर इसको ना ऐसे जो था उसको ऐसे रख दो तो एक सर्किल बनाएगा, ऐसा ऐसा शेप का रहेगा। ये जो रेडियस है वो ये रेडियस है। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अपर्चर। रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ अपर्चर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दोनों में डिफरेंस क्लियरली समझ जाओ। ये जो मिरर कटेगा ये और ये दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, बट दिस मिरर विल हैव लेसर रेडियस ऑफ अपर्चर, दिस इज ग्रेटर रेडियस ऑफ अपर्चर। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। ये थोड़ा बड़ा साइज का आएगा, ये छोटा रहेगा। तो ये समझाने के लिए मैंने ये बोर्ड पे समझाया था। ये तुम लोग डायग्राम ड्रॉ करके लिख लेना। आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा हिंट दूंगा इसमें। बच्चों ये जो हमने हॉलो स्फीयर को कट किया और एक सरफेस को सिल्वर कर दो, तो जिसको सिल्वर कर दिया उसके जो दूसरा सरफेस बचा ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये सरफेस जो है वो है सिल्वर्ड सरफेस। रेज विल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फिर रिफ्लेक्ट होगा और कहीं इमेज बनेगा। ये साइड को बोलते हैं बच्चों कॉनकेव साइड और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स साइड। ये है कॉन्वेक्स साइड। तो जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग है उसके नाम से उस मिरर का नाम पड़ता है। तो अभी बताओ कि ये कौन सा मिरर है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉनकेव, सो इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। चैतन्य अभी भी लैग कर रहा है क्या? चैतन्य भाई? यस सर, लैग कर रहा है अभी थोड़ा। अब भी आवाज आया आपका? अच्छा, चलो तो मैं इसी पे समझाता हूं। तो चैतन्य के डिमांड पे हमने फिर से इस पे समझाना शुरू किया और अभी मैंने बताया बच्चों कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है तुम्हारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये पीसी जो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। एक रेज पैरेलल रेज आया, इंसिडेंट हुआ, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया वो पॉइंट को बोलते हैं फोकस,
और पोल से उस फोकल पॉइंट, फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। मुझे इसमें फोकल लेंथ चाहिए। कुछ बच्चे ने तो रट्टा मारा होगा कि फोकल लेंथ कितना होता है, आर बाई टू होता है। क्या हमेशा आर बाई टू होगा? चेक करते हैं। नहीं तो देखते हैं अभी क्या है ना। तो ये थीटा एंगल पर इंसिडेंट हुआ बच्चों। अभी देखो मुझे ये एफ निकालना है, तो ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया डॉट डॉट, मान लो ये नाम देते हैं एम, सी एम भी तुम्हारा क्या है, आर है। ये बता सकते हो ये कितना है, एफ सी कितना है, व्हाट इज दिस? मैं कहूंगा लेट्स कि ये एक्स है, यहां से cos थीटा माइनस फोकल लेंथ, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। ये एक्स है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा दिख रहा है क्या? ये थीटा, यस ये थीटा है, तो ये भी थीटा है बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ये, तो ये एंगल है थीटा। तो देखो सी एफ एम में ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया, दैट मीन्स एफ सी और एफ एम सेम है। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, अगर ये x है तो ये पॉइंट n लिख लेता हूं, तो सी एन, एक्चुअली x मुझे निकालना था, सी एन कितना हो जाएगा, x cos थीटा। कल हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, कुछ बच्चों को तकलीफ हो रहा था। सिमिलरली एन एम भी कितना है, x cos थीटा जो हो जाएगा। तो सी एम तो इन दोनों का समेशन है, और सी एम तो नथिंग बट आर है, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, टू एक्स कॉस थीटा। सो एक्स तो निकल गया बच्चों हमें, एक्स कितना आ गया, आर बाई टू cos theta, बट मैं फोकल लेंथ चाहिए मुझे। फोकल लेंथ कौन सा है, PF, तो ये कितना हो जाएगा, R minus X हो जाएगा, R minus R by 2 cos theta, this is the focal length। गौरी पाटिल क्या ये क्लियर हुआ? हाँ सर। ये हो गया फोकल लेंथ। है ना? क्योंकि सर वो जो आर बाई टू पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वो क्या है बच्चों, अगर मैं कहूं कि इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, तो बच्चों कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट वन। अगर cos थीटा हो जाएगा तो फोकल लेंथ जो हो जाएगा वो r माइनस r बाई टू, दैट इज इक्वल टू r बाई टू हो जाएगा। थीटा स्मॉल तो ऐसे केसेस में हम लोग बोलते हैं उसको पैराक्सियल रेज, मतलब ये थीटा स्मॉल मतलब ये पॉइंट बहुत नीचे, बहुत प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज इंसिडेंट हो रहा है रेज, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पैराक्सियल रेज। सर अगर थीटा स्मॉल होगा तो अप्रोक्सीमेटली कॉस थीटा वन होगा। हाँ कॉस जीरो डिग्री वन होता है।
पढ़े हो ना कॉस 0 1 और साइन 0 0, लेकिन मैं बताता हूं अगर थीटा स्मॉल होता है तो कॉस थीटा इज ऑलमोस्ट 1 होता है, और जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। अगर ये नहीं पता है तो मुझे एक दिन बताना पड़ेगा, मेडिकल बैच में बताना पड़ेगा, इंजीनियरिंग में तो पता ही होगा। ये बाद में बहुत जगह यूज आता है, ये मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ाते हैं। तुम लोगों को मैथमेटिकल टूल नहीं पढ़ाया है, जरूरत पड़ेगी तो पढ़ा दूंगा। पैराक्सियल रेज, तो पैराक्सियल रेज का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, पहले तो ये लिख लेते हैं। पैराक्सियल रेज का डेफिनेशन होता है रेज क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। कुछ बच्चे गलती से बोलते हैं कि रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं पैरेलल होना जरूरी नहीं। पैराक्सियल रेज का मतलब रेज क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, नजदीक है प्रिंसिपल एक्सिस के। हाँ, फोकल लेंथ के लिए हम जब कहते हैं तो फोकल लेंथ के लिए बोलते हैं कि पैरेलल रेज जब इंसिडेंट हुआ और प्रिंसिपल एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। अब हम बात कर रहे हैं जो फोकल पॉइंट हम लोग पढ़े हैं कि रेज पैराक्सियल भी हो और पैरेलल भी हो, तब जो एक्सिस जहां पे कट करेगा तो वो फोकल लेंथ हमारा, उस फोकल लेंथ की बात करते हैं। और वो अभी कितना आया, r/2 आया, ठीक है, समझा। जब पैराक्सियल है तो r/2 होगा फोकल लेंथ, लेकिन अगर रेज पैराक्सियल नहीं है, ये थीटा कुछ है, थीटा थोड़ा लार्ज है, 30 degree 40 degree 50 degree के रेंज में है, तो इन दैट केस ये r/2 से पहले कट करेगा या बाद में कट करेगा, किधर होगा फोकल लेंथ, r/2 से कम होगा या r/2 से ज्यादा होगा। तो अगर बच्चों कुछ थीटा बड़ा हुआ तो कॉस थीटा छोटा होगा, कॉस थीटा छोटा होगा तो ये क्वांटिटी बड़ा होगा, और ये जब बड़ा होगा तो r-this फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा मतलब r/2 से इधर कट करेगा, इधर प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ। Are you getting my point? So if rays are not paraxial, then F will be less than r/2. हमें जो सिलेबस में पढ़ना है वो पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन थ्रू पैराक्सियल रेज। इमेज फॉर्मेशन बाय पैराक्सियल रेज, मतलब इन दैट केस हम लोग अगर डिस्कस करेंगे तो फोकल लेंथ क्या मानेंगे, r/2 मानेंगे, रेज बहुत ही क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अच्छा नहीं बनाए तो अब अच्छा। चलो बच्चों एक कॉनकेव मिरर ले रहा हूं और डायग्राम आज बता रहा हूं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं बताऊंगा। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रेज इंसिडेंट करा रहा हूं, रेज आर इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस,
और ये रिफ्लेक्ट होके कहीं पे आएगा और जहां से पास किया उसी को फोकस कर रहे हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं पैराक्सल रे का ही, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों आर बाई टू, हाफ हो जाएगा। और इमेज बनाने के लिए दो रेज चाहिए, तो देखो एक रेज तो ऐसे पैरेलल रेज आ गया, इंसिडेंट हो गया, और ये यहां तो नॉर्मल इंसिडेंट होगा, नॉर्मल वापस चला जाएगा। तो दिस इज द इमेज। तो कह सकते हैं कि फोकस का डेफिनेशन क्या होगा, पैरेलल रे जा रहा है दैट मींस ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज जहां बनेगा उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। कहां बनेगा, आर बाई टू पे बनेगा। क्लियर है। हालांकि हमने ये एम पॉइंट दूर दिखाया, थीटा थोड़ा बड़ा दिख रहा है, वो समझने के लिए ये सोचो एम पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पी पॉइंट। अब जो समझा रहा हूं वो देखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे, बच्चों देखना यहां पे, ओ सारे बच्चे ध्यान से एकदम देखना, ये रे डायग्राम। अब यहां से एक रेज को मैं इंसिडेंट करा रहा हूं, देखना इसी पॉइंट पे, डायग्राम अच्छा नहीं बना है लेकिन ये तो क्लियर है कि अभी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है पिछले वाले से, ब्लू कलर वाले से कम है, इतना तो दिख रहा है। तो जो रिफ्लेक्ट होगा वो ब्लू वाले के पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगा, थोड़ा कम एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल छोटा तो ये एंगल भी छोटा। सो कैन यू गेस कि ये पॉइंट यहां बन रहा है, मतलब दिस विल बी द इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आगे आ गया सी से पहले, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या होगा, एफ और सी के बीच में होगा इमेज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये एग्जैक्टली बोर्ड पे ज्यादा अच्छे से समझ में आता। यस सर, समझा। तो हम कॉनकेव मिरर में कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में है तो इमेज सी और एफ के बीच में होगा, ये डायग्राम से दिख रहा है। अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, टूवर्ड्स सी जा रहा है, ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स सी जा रहा है तो इमेज भी किधर जा रहा होगा, सी की तरफ आ रहा होगा, मतलब इमेज का वेलोसिटी सी की तरफ, सी के तरफ जा रहा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से उल्टा जा रहा होगा, है ना। क्या कोई गेस कर सकता है कि वी आई कितना होगा, क्या 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, अगर वी ओ 10 है तो, कि वी आई जो होगा वो लेस देन 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, कि वी आई ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, क्या हो सकता, विच ऑप्शन विल बी ट्रू, ए सर लेस देन सी, लेस देन 10। देखो रे डायग्राम में छोटी सी चीज है, ये समझना है बच्चों, ये इन्फिनिटी से आ रहा आ रहा आ रहा है और सी तक पहुंचेगा, और इमेज तो मेयरली एफ से लेकर के सी तक आएगा, ये 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर चलेगा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से इधर आया तो ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा होगा, इमेज तो बड़ा लेजी है, स्लो चल रहा होगा। और सी पे अगर आ गया ऑब्जेक्ट बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट सी पे आ गया तो रेज जाएगा, इंसिडेंट होगा, और सारे रेज नॉर्मली इंसिडेंट होंगे, नॉर्मली वापस आएगा, ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्साइड कर जाता है। समझा कि नहीं।
और एक होता है बच्चों लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है समझाता हूं मैं। अगर सोचो कि एक रेज ऐसे गया कहीं से रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ तो एक ही रिफ्लेक्शन है ऐसे आ रहा है। अगर मैं इसको उल्टा सेंड कर दूं उसी लाइन पे, उसी पाथ पे सेंड कर दूं, रिवर्स कर दूं, अगर रेज को रिवर्स कर दिया किसी पॉइंट पे तो ये पूरा पाथ वही फॉलो करेगा, वही पाथ फॉलो करेगा, रिवर्स करेगा, रिट्रेस करेगा पाथ को। दैट मीन्स मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख दिया तो रेज ऐसे जाएगा और इमेज इधर बनेगा। कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज कहां बनेगा, सी और इंफिनिटी के बीच में बनेगा। क्या यहां तक क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? हाँ। तो आज का क्लास में यही छोड़ देता हूं, नेक्स्ट क्लास ये रे डायग्राम से स्टार्ट करूंगा।